अरे सुनो भाई, यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम सबको बेवकूफ समझ के झांसा दे रहे हो क्या? देखो यहाँ पे कोई किसी को झांसा नहीं दे रहा। ओ अच्छा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें कुछ पता भी नहीं और यूं ही बोलते जा रहे हो। यहाँ पर एक फाइट हो रही है, समझे? हे भगवान, कैसा कलयुग है, बाप बच्चों को लड़वा रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, इन लोगों को हमारे मनोरंजन का ख्याल है। जानते हो उन दोनों के पिताजी का नाम क्या है? उनका नाम है कामन्ना। वो देखो वहाँ। यूं ही लगे रहो मेरे शेरो। उठाकर पटक दो उसे। हाँ हाँ, उठा के पटक दो उसे। ऐसा बाप मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अरे सुनिए भाई साहब, ये इनकी रोजी रोटी है क्या समझे? ये लोग जाने माने चोर हैं, लेकिन आज ये कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। हमारे घर में चोरी हो इससे अच्छा है ये लोग ऐसे पैसे कमाएं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वारे मेरे शेर, शाबाश मेरे बेटे राम, तुझसे यही उम्मीद थी। तेरे सामने यहाँ कोई नहीं टिक सकता। वाह मेरे शेर, जमीन पर पटक दो उसे ऐसे। अरे मुझे छोड़ दो, अब आया मजा। अरे मुझे नीचे उतारो। सुन राम। हाँ। अरे मुझे नीचे उतार यार। अरे ना मैं पहाड़ू ना ही तू हनुमान, उतार मुझे। देखा आपने इसकी कैसी हालत हो गई, आप कहें तो उठाकर फेंक दो उसे। बोल बे। ए कृष्णा, हिम्मत है तो जीत कर दिखा हमको। अरे पिताजी आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, इसे कहिए मुझे नीचे उतारे, कहिए ना, मेरा सर चकरा रहा है। ये हुई ना बात। जियो मेरे लाल जियो, तेरा भी खेल खत्म। यहाँ तुम जीत गए और मेरी क्वार्टर भी खत्म। तुम मुझ पर गए हो, बिल्कुल मुझ पर। चलो इसको ले जाकर इसकी दवा दारू करवाते हैं। चलो ए साइड में हटो रे, हवा ने दो। आपने तो एक अनाउंसमेंट करनी थी। हाँ, ओ इन गांव वालों को एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। हाँ। बेटे राम जरा सुनो। हाँ? अनाउंसमेंट करो। अच्छा। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। देवियों और सज्जनों और इस गांव के महान लोगों को वाह शाबाश मेरे बेटे। क्या हुआ? तेरी अनाउंसमेंट सुन के मैं खुद को नीचा महसूस कर रहा हूँ। क्या बढ़िया अनाउंसमेंट करता है। आप भी ना। मेरा ये गुण भी अपना लिया। अच्छा ठीक है। देखिए अब हम आप सबको ये बताना चाहेंगे कि कामन्ना और उसके बेटों ने चोरी का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। इसलिए आप चाहें तो आज से ही अपने खिड़की दरवाजे इत्यादि इत्यादि खुले रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप चाहे टीवी देखिए या रात को घर छोड़कर जाके फिल्म देखिए, आपके टीवी वीसीआर फ्रिज वगैरह सब सेफ। हाँ, मिलेंगे। बिल्कुल, सही। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल शरीफ लोग बन चुके हैं, ठीक है ना। चा, चा, चा। राम क्या हो गया? भला मैं क्या जानू। अरे तूने ट्रक को क्या किया? हाँ ये ट्रक मेरे कहने पर ही खराब हुआ है ना। वो मैं नहीं जानता। उस पत्थर पे क्या लिखा है पढ़ तो। अबे हमारे बाप को भी इंग्लिश नहीं आती तो मुझे इंग्लिश कहां से आएगी। तुझे स्कूल भेज के क्या हुआ, तू तो एकदम अनाड़ी निकला। ये आपको मुझे स्कूल भेजने से पहले सोचना चाहिए था, मैं आप ही की तरह अनाड़ी रहूंगा जिंदगी भर। यहाँ कोई आसपास घर है क्या?
इस जंगल में क्या मिलेगा, बात करते हैं। क्या मतलब? हम आज रात इस जंगल में भूखे सोएंगे क्या? अच्छा सुनो, आज हम सब ऐसे ही सो जाते हैं, कल सुबह उठकर कुछ इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? देख लीजिए। चलो चलो। अरे क्या हुआ? डरना मत। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं सोच रहा था हमें जेल में सोने की आदत है और आज हम चैन से खुली हवा में सोने वाले हैं। वाह, वो भी क्या दिन थे जब हम शान से लोगों की जेबें काटा करते थे, हमारे कितने चेले हुआ करते थे। पर एक बात तो है, मन की शांति हमें कभी नहीं मिली। अच्छा, मैं जरा समझ गया ना, अभी आया। अरे मैं क्या जेलर हूँ जो मुझसे इजाजत ले रहा है, जा। पिताजी, यहाँ ये आवाजें कैसे आ रही हैं? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या जंगल में रोज आता हूँ, अब चुपचाप सो जा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात कहूँ क्या? हाँ बोल। आप हमारे पिताजी हैं, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा होता। आपको हमारी तकलीफ समझ में ही नहीं आती, पता है मेरे पेट में कितने चूहे दौड़ रहे हैं? अरे चुप कर, कब से बातें करता जा रहा है, भूख लगी है, चलो कहीं जाकर कुछ खा लेते हैं। भगवान ने पेट सिर्फ तुझे दिया है क्या? उल्लू का पट्टा। ए, तू अच्छी तरह जानता है कि काफी देर से मेरे पेट में एक बूंद दारू भी नहीं गई है, और तू ये भी जानता है कि खाली पेट में सो भी नहीं सकता। पिताजी, हाँ, वहाँ एक घर है जहाँ लाइट जल रही है, चलो हम देख के आते हैं। चुपचाप बैठा रहे, ये भी तो हो सकता है कि वो कोई भूत बंगला हो, क्या पता वहाँ पर कोई कुत्ता हो, तुझे काट लेगा, फिर क्या होगा तुझे पता है ना, पेट में पूरे 14 इंजेक्शन लगते हैं। इंजेक्शन से आप डरिए, मैं देख के आता हूँ। इसका दिमाग खराब है क्या? जोरो की भूख लगी है, हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, कह रहा खाना लेकर आऊंगा। ठीक है भाई, लेकर आ। सुनिए पिताजी। हे कामन्ना। हे, मुझसे तमीज से बात कर। आप कभी नहीं सुधरेंगे। इतने दिनों बाद खुली हवा में सोकर कितना अच्छा लग रहा है। अभी से अच्छा लगने लगा, जेल की हवा भूल गया क्या? अब वो दिन गए पिताजी। हाँ बता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर हम शराफत की जिंदगी जिए तो कितनी चैन की नींद आती है ना? बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारा एक छोटा सा घर हो और हम वहाँ पर ईमानदारी से खेती बाड़ी करें तो कैसा रहेगा, बताइए? खेती बाड़ी से जो कुछ उगेगा उसे खाएंगे, जो कुछ बचेगा उसे बाजार में जाकर बेच देंगे, कैसा लगा मेरा आइडिया? आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है। मैं भी तेरा ही बाप हूँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, तू मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है। बाप बेटा, मैंने ही तुझे पैदा किया और आज तू मेरे साथ ही होशियारी करने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। बस बस, बहुत हो गया, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए और उसके बाद सपने देखिए। हाँ, मैं सोना चाहता हूँ, चैन की नींद सोऊंगा। ये दौड़ता हुआ क्यों आ रहा है? क्या बात है, किससे भाग रहा था? मैं शेरों से, शेरों से। आप लीजिए ना। और कुछ नहीं मिला क्या? गनीमत समझो, यही मिल गया हमें। भला ये भी कोई खाना हुआ, इसमें क्या मजा आएगा? अभी जंगल में आपको कोई कोरमा या बिरयानी तो नहीं देगा ना, अभी से चुपचाप खाइए। अब इतनी मेहनत से तू लाया है, खाना तो पड़ेगा ही। चल भाई, आ खा तू भी। ऐसा कीजिए, आप ही खाइए। देख रहा है इसके नखरे। अरे खाना यार। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खाओ। ए बात सुन, जब मैं खाऊंगा तो मांगना मत, समझा? सपने देखो, मैं नहीं मांगने वाला हूँ। तो मत मांगना। अब मेरी तरह तुम क्यों लेट गए? मेरी मर्जी। हे ऊपर वाले, इस खाने को मैं तो बर्बाद नहीं कर सकता, मैं ही खा लेता हूँ। सोने दीजिए, तबीयत खराब है। हे कृष्णा, जल्दी उठ, उधर देख, इन्हें ऐसे उल्टी क्यों हो रही है? पिताजी क्या बात है? अरे अरे, ये क्या खून, ये क्या, ये कैसे हुआ? पिताजी, कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब?
कैसे हैं वो? देखो इस वक्त हॉस्पिटल में दो इमरजेंसी केसेस हैं। पहले पेशेंट का मेजर एक्सीडेंट हुआ है और एक पटेल का आदमी है जो मौत से लड़ रहा है। देखिए डॉक्टर, मेरे पिताजी। वैसे एक बात तो है, जो भी पेशेंट इस हॉस्पिटल में आता है वो वापस नहीं जाता। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? लेकिन तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। साफ साफ बताइए, किस्मत से तुम्हारा पेशेंट किसी तरह बच गया है। क्या हम उनसे जाकर अभी मिल सकते हैं? बिल्कुल मिलिए, व्हाई नॉट, कम ऑन सिस्टर। कृष्णा बेटा, राम। हाँ बोलिए। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, बताइए क्या बात है? वो ग्लूकोज की जो बोतल है, उसमें ब्रांडी या विस्की मेरे लिए थोड़ी सी मिला दोगे क्या? कहो तो थोड़ा सा जहर भी मिला देता हूँ, अच्छा रहेगा। हालो देखिए अपनी। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ, ये डॉक्टर आइए, मुझे चेकअप करना है। 1 2 3। डॉक्टर मुझे ग्लूकोज नहीं चाहिए। हो गया। हाउ आर यू कमाना? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। घर जाके खूब जॉगिंग कीजिए और आप मटके का ध्यान रखिए। वैसे ये पेशेंट तुम्हारे कौन लगते हैं? ये पिताजी हैं हमारे। ओह, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है क्या? फैमिली होगी तो प्रॉब्लम होगी ना। नो फैमिली नो प्रॉब्लम। ओहो, डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें खून की उल्टी क्यों हुई थी? सुसाइड अटेम्प्ट। तेरे पल्ले कुछ पड़ा? मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी है। तुम अभी बच्चे हो, समझे? इनके पेट में जहर पाया गया। इनके खाने में जहर मिला था, या इन्होंने खुद खाया या इनको किसी ने खिलाया था। क्या? सुनो कामना, इस संसार में मुश्किलें तो हर किसी को आती हैं। देखो इस नर्स को, मुझे और इस संसार में रहने वाले सभी को मुश्किलें आती हैं। अब मुझे देखो, मैंने सुसाइड किया क्या? इस नर्स ने सुसाइड किया क्या? हमने नहीं किया क्योंकि ये समस्या का हल नहीं। अरे आपने सब बता दिया ना। हाँ आप जाइए, हम संभाल लेंगे। संभाल लोगे? आप अपना काम कीजिए, अपना ख्याल रखना। एंजॉय मिस्टर कामना। मैं मिलता हूँ, आता हूँ। कम ऑन नर्स। मैंने कुछ नहीं, वो खाना तो वो अरे राम, मेरी बात तो। कृष्णा। क्या बात है? जरा मेरे पास आना। हाँ बोलिए। तूने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैंने तुझे खाना लाने से मना किया था? अपने बाप को जहर दिया तूने? पिताजी अभी। अरे हुआ क्या? अरे मार दिया, मेरी गलती है। क्या सोचा था तूने, हमें पता नहीं चलेगा है? खाने में जहर मिलाता है साले, दू क्या? मैंने कुछ नहीं किया। क्या? मैं जहर क्यों मिलाने लगा? मेरे पास तो खुद ही खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ। एक बजाऊंगा तेरे कान के नीचे। अब मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? खाना मेरे घर से थोड़ी ना आया था, जिसका घर है उससे बात कीजिए। कहाँ है वो? अबे बाहर निकल। क्या बात है भाई, हल्ला क्यों कर रहे हो? जैसे कुछ जानते ही नहीं। वाह, शक्ल से कितने शरीफ लगते हैं, और थोड़े से पैसों के लिए आपने हम लोगों के खाने में जहर मिला दिया। देखिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, दरअसल वो खाना तो हमारे घर से चोरी हुआ था। अब उसमें जहर किसने मिलाया इस बात का हमें कुछ नहीं पता है। वाह 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 वा, क्या कहानी बनाई है। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। अब एक बात सुनिए, वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह हमारे पिताजी की जान बच गई, वरना आपकी बदौलत वो तो ऊपर ही चले जाते, फिर मैं आपका वो हाल करता के। सुनो भाई, यहाँ शोर मत करो, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही। यहाँ से खाना कौन ले गया हमें नहीं पता, हम तो उस दिन खुद भूखे थे। मतलब कोई चोर उचक्का उस दिन यहाँ आया और हमारा सारा खाना चुरा कर ले गया। लेकिन फिर भी खाने को इस तरह खुले में रखना अच्छी बात नहीं है ना, खाना ढक के रखा कीजिए, जहर आपके पेट में भी जा सकता था। हाँ काश ऐसा मेरे साथ होता। गरीब के पास उसकी इज्जत ही होती है, अगर बेइज्जत होकर जीना पड़े तो एक शरीफ इंसान के लिए जिंदगी बददुआ बन जाती है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। शिवराम भाई आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, हम सबका सहारा आप ही तो हैं। शिवराम भाई आपके अच्छे दिन जरूर वापिस आएंगे। कहां से आएंगे अच्छे दिन, पटेल के चंगुल से कोई नहीं बच सका, मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, मुझसे रुपयों का इंतजाम नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूं? अरे पटेल से तो रहम की उम्मीद भी नहीं कर सकता, अब ऊपर वाला ही मालिक है। आप इस तरह से क्यों सोचते हैं पिताजी, बताइए क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? आपने हमारा दिल दुखा दिया। चिंता मत कीजिए,
आपकी सारी परेशानियों का हल मेरे पास है। आप मुझे जानते नहीं है, दुनिया मुझे जानती है। आपका काम तो मैं चुटकी में निपटा दूंगा। पिताजी, मतलब इतना फेंकने की क्या जरूरत है? अबे डूबते को तिनका का सहारा होता है। देखिए, अब सारी परेशानी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आपका साथ दूंगा। क्या समझे? आप इस धरती पर इज्जत और सुख शांति से जी रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। हिम्मत रखिए, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। हाँ पिताजी, आप हिम्मत छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? इनकी बात मानिए, ये लोग फरिश्ते बनकर हमारे दरवाजे तक आए हैं। अब हमारी सारी मुश्किलें दूर होंगी। आपकी बेटी ने बिल्कुल सही कहा। हाय हाय, रसोई से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सच कहूँ तो मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। खाना मिले तो मजा आ जाएगा। जाओ बेटी, खाने को लेकर आओ। क्या बे? छोड़ना। बहुत हीरो बन रहा था। क्यों रहा तू? बजाओ भी कान के नीचे। हमारे सामने बहुत डायलॉग बाजी करता है और पता चलता है कि गरीबों का खाना चुरा कर लाता है। शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। लेकिन तुम लोगों को भूखा देखकर ही मैंने ये खाना चुराया था। खुद तो कुछ कर नहीं सकता और मुझे स्टाइल से भाषण दे रहा है। पिताजी को बता दूं? मुझे पिताजी की धमकी देता है। चल निकल यहां से। जा रहा हूं, लेकिन तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। अरे जरा संभल के। हे, इधर आवे। बोलिए। इधर कोई गैराज है क्या? है ना, थोड़ी सी दूर, बस 10 मील की दूरी पर। अच्छा, सिर्फ 10 मील दूर है? हाँ, और वहाँ पैदल जाना पड़ेगा। तू भी एक सैंपल पीस है। सुनिए, एक बात बोलो। हाँ बोल। मुझे भी अपने साथ रख लीजिए ना, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी। क्या हुआ? नो पॉइजनस फूड मिलेगा क्या? अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्या पॉइजन? क्या वैसे मुझे भूख तो नहीं लगी है, लेकिन मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प करने के लिए आया था बस। आप हमारे मेहमान हैं, बाहर जाके आराम कीजिए। क्या मतलब? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता? पिताजी मुझ पर गुस्सा करेंगे। फादर्स, नो प्रॉब्लम्स। योर फादर्स, माय फादर्स। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ हमारे फादर हैं। व्हाट गर्ल्स, वेरी क्यूट गर्ल्स। व्हाट इज योर नेम्स? अंबिका। योर्स? राधिका। बिग सिस्टर्स? उन्हीं से पूछिए। कनका। कनका। कृष्णा, आई थिंकिंग। मैं हूँ तेरा यारा, प्यार में अपना दिल मैंने तुझ पे वारा। जानू तंदा ना 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 ना। हाँ, तुमने वो हम आपके हैं कौन देखी है ना? नहीं, हमने तो सिर्फ खिलाड़ी जोड़ी देखी है। ओह, स्मार्ट बॉयज। बहुत स्मार्ट हो तुम लोग। आई लव यू। हाँ, ओके ओके। अरे हुआ कि नहीं? अरे सुनो भैया। हाँ बोल। अब ये तुम्हारा ट्रक किसी काम का नहीं रहा, ये एकदम बेकार, इसका तो पार्ट्स भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम रिपेयर करेगा 2 दिन में। यहाँ पर रहने का कोई इंतजाम हो सकता है क्या? यहाँ होटल वोटल कुछ नहीं, ये एक गाँव, यहाँ किसी के परिवार से दोस्ती तो ही आपको रहने को मिलेगा, लेकिन हम सेटिंग करेगा। ऐसी क्या सेटिंग करेगा तू? बकवास बंद कर, जल्दी से ट्रक को ठीक कर, चल चल चल। ओके। देखिए, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ कोई होटल वोटल नहीं। हाँ, अगर हम पटेल के किसी बंदे से दोस्ती कर ले तो वहाँ रहने का इंतजाम हो सकता है। ये क्या तुम लोगों ने पटेल 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 लगा रखा है? कौन है ये पटेल? देखिए, धीरे बोलिए। क्या हुआ? उसके आदमी यही होंगे। कहाँ पर? उसके आदमी हर जगह फैले हुए हैं, हर जगह पर। कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो समझो नैया डूब गई। बहुत ही खतरनाक है वो। चल चल, अब मुझे उनकी धौंस मत दिखा, तो समझा क्या? अरे चुप जा, चुप जा। अबे अरे, ओए, वो क्या है? मेरे मुंह को बंद कर। अरे हमको छोड़ो। अरे इधर आ, जल्दी छुप जा इधर आके। हुआ क्या? अबे बात क्या है? इधर आ ना। तो कुछ बताएगा भी? अबे बोल ना, मुंह बंद। नहीं, ये चीटिंग है, ये गलत बात है। अब मेरी बारी है, इसलिए जाके छुपो तुम लोग। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। चलो चलो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ रहा हूँ मैं।
तुम लोग सब छुप गए हो ना, मैं आ रहा हूँ। तू खेल रहा है और तूने हमारी जान निकाल दी? आइस पाइस खेलेगा? अरे बस करना यार, क्योंकि अभी भी बच्चा है। ए, ये गेम सिर्फ बच्चे नहीं खेलते। ये बता, तू चोर पुलिस नहीं खेलता क्या? सिर्फ तू ही खेल सकता है क्या? तुम बच्चों के साथ आइस पाइस खेल रहा और यहाँ मैं परेशान खड़ा हूँ। पता है इस ट्रक को ठीक होने में अभी 2 दिन लगेंगे। 2 महीने भी लगेंगे तो क्या होगा, तुझे किस बात की टेंशन है? अच्छा, हम शिवराम अंकल के घर पे सुख चैन से रह सकते हैं। जरा फिर से तो बोल। प्यारे शिवराम अंकल। ओहो, तो अब वो तेरा अंकल हो गया है? कुछ ऐसा ही समझ लेना। बन गए अंकल। हाँ और बता। नहीं, शर्म आ रही है। क्या क्या हुआ मेरे भाई? नहीं, तू अपने भाई को नहीं बताएगा? नटखट गई क्या? अबे तू तो शर्माने लगा लड़कियों की तरह। जिंदगी में किसी भी चीज की कमी हो, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। ओ, टोमेटो पिकल्स, आई लाइक्स इट। ये टोमेटो नहीं है, लेमन पिकल है। मैं भी टोमेटो नहीं लेमन कहने वाला था। कृष्णा झूठ मत बोलो। सुनो शिवराम भाई, सच कहूं तो जिंदगी का मजा इस तरह पैक मारने में ही तो है। मुझे तो माफी कर दीजिए, मुझे इसकी आदत बिल्कुल भी नहीं है। अरे तो आदत डाल लीजिए ना। बिना ये आपका और ये है मेरा, आप नहीं पिएंगे तो मैं दोनों पी लेता हूँ जी। एक्सक्यूज मी। यस। फॉर फादर्स वाटर्स गिव। आप नहीं पियेंगे क्या? मैं भी थोड़ा सा पानी पीऊंगा ना। शराब नहीं पियोगे? नहीं, आई नॉट ड्रिंकिंग। आई एम डेली गोइंग टू टेम्पल्स, आई डूइंग पूजा, आफ्टर दैट हैविंग प्रसाद एंड कमिंग होम। गुड बॉय, आई एम ए वेरी गुड बॉय। स्टॉप मिस्टर कनका। या वेरी क्यूट स्माइल, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बोलिए। रात को जब मैं सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे तो नींद आती ही नहीं है, इसलिए मैंने रात को भगवान से प्रार्थना की। भगवान मेरे सामने आकर बोले, कृष्णा तेरी तकलीफ मैं अच्छी तरह समझता हूँ बेटा, तू चिंता बिल्कुल मत कर, तेरी जिंदगी में आई। और फिर मैं तुमसे मिला, और सच कहूँ तो तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, मेरे मन को बहुत शांति मिली। क्या मतलब, आपको हमारी दीदी को देखकर शांति मिलती है? ओ स्मार्ट बॉयज, वेरी गुड। हाँ, ओके, गुड नाइट्स, बेड टाइम। शिवराम भाई, इस बार एक पैक मेरा और दूसरा आपकी तरफ से। सुनो शिवराम भाई, मुझे भगवान ने हीरे जैसे 2 बेटे दिए हैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि उन दोनों में कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन मैं उनको एक अच्छा सा भविष्य नहीं दे पाया। मैं जिंदगी भर गरीबी की दलदल में फंसा रहा, फिर भी वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। शिवराम भाई, बचपन में उनकी माँ भी गुजर गई, उन्हें पालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई जो मैं अच्छी तरह नहीं निभा पाया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस फुल टाइट हो जाता हूँ, पी कर मैंने खुद को बर्बाद कर डाला। अगर मेरे बच्चे ना होते तो मैं रेल की पटरी पर जाकर अपनी जान दे देता। सच ये है कि आज मैं उन्हीं की वजह से जिंदा हूँ, मेरे 2 बच्चे ही मेरी जान है शिवराम भाई। अगर वो चाहते तो ये कह सकते थे कि पिताजी आपने हमें आज तक दिया ही क्या है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये काम अन्ना अपने बच्चों से ठीक तरह से नजरें नहीं मिला पाता, कितना अभागा हूँ मैं। अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं की, मैंने हर कोशिश की, दिन के वक्त बोझ उठाया, सालों साल मैं होटलों में रात को काम करता रहा, इस चक्कर में अपने बच्चों को बड़ा होता मैं ठीक से देख भी नहीं पाया, लेकिन भगवान ने मुझको एक शेर जैसा बेटा दिया जिसका नाम है राम। वो एक शेर है जो दुनिया में किसी से नहीं डरता, हीरा है वो। सुनो शिवराम भाई,
आजकल मेरे बेटे मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। शाम होते ही वो दोनों चुपचाप गायब हो जाते हैं और मैं हूँ कि उन्हें ढूंढता ही रह जाता हूँ। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? ये तो आपने लाख रुपए का सवाल किया। अगर जीना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक से बताइए ना। मैं आपको बताता हूँ ना। मैं बताता हूँ। वो दरअसल पहले ये कॉन्ट्रैक्टर थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिया करते थे। फिर हुआ ये कि उम्र बढ़ने के साथ इनसे काम हुआ नहीं तो इन्होंने काम छोड़ दिया। अरे बॉटल 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 संभालिए। और हमें इस काम में दिलचस्पी नहीं थी तो काम बंद हो गया। लीजिए। हाँ पीजिए। राम तुम मेरा एक और ग्लास बनाओ। हाँ हाँ ग्लास मैं बना दूंगा। कुछ ज्यादा नहीं होगा। वैसे महफिल अच्छी जमी है। मैंने ये लीजिए एक बार बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिया। मुझे एक बहुत बड़ी जेल बनाने का काम मिला। पिताजी बताए, मेरे दोनों बेटों ने मेरी बहुत मदद की। वो जो मेरा दूसरा बेटा है ना कृष्णा, उसका दिमाग बहुत तेज है। अच्छा, मेरी मदद इन दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत की। आप चुप रहिए, मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो मैं इनका लाडला बेटा हूँ ना, इसलिए मेरी तारीफ कुछ ज्यादा ही करते हैं। इन्हें मुझसे बहुत प्यार है, क्यों है ना? हाँ बोला इन्होंने। आप आराम से पीजिए एक और ग्लास। आप बॉटल लीजिए। शिवराम भाई, भगवान करे दुनिया के हर माँ बाप को ऐसे हीरे जैसे बेटे मिले। कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। लेकिन जब भी ये कोई शैतानी करते हैं ना, तब मैं इनको। अरे जी हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर की जिंदगी ऐसी ही होती है, ऐसी। अब आप जाके सोइए ना। लेकिन इनका ख्याल मैं रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलिए, आइए आइए। ये तो लुढ़क गए। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, आप चलिए चलिए। पर इनका ध्यान रखना बेटा। रात काफी हो चुकी, आपको सो जाना चाहिए। अब तो इस रामप्यारी के स्पेयर पार्ट्स बनने भी बंद हो गए हैं। जरा स्टार्ट करके देख। अच्छा रुक जरा कृष्णा। आप बोलना भाई। माना कि हमारा ये ट्रक पुराना हो चुका है, लेकिन ये मैकेनिक भी किसी काम का नहीं है। इस गधे से एक ट्रक भी स्टार्ट नहीं किया जाता है। स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये ट्रक स्टार्ट होगा तो मेरे प्यार का क्या होगा? मेरे प्यार की गड्डी जरूर चलेगी। अबे क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ भी तो नहीं। ट्रक स्टार्ट हो गया। क्या ट्रक स्टार्ट हो गया? मजा आ गया। ए राम, मैं तुझसे एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलना। ऐसा करते हैं कि क्या? इस ट्रक को अभी हम लेके नहीं जाएंगे, दो तीन दिन इसका चेकअप करवाते हैं फिर लेके जाएंगे। कैसा आइडिया है? हाँ जानता हूँ तो क्यों रुकना चाहता है। चल अब साइड में हट। अरे साइड हटने का। अबे तेरी बताऊं तुझे मैं। तुझे ये पटेल साहब के लोग जी, ऐसा फास्ट जाता जरूर किसी को प्रॉब्लम होने का। घबरा मत बेटी। फूली है मेरा नाम है, बहुत खतरनाक, किसी को भी नहीं छोड़ता। तू घबरा मत। बताओ रे इनको, फूली को गुस्सा आता है तो क्या होता है? अरे बॉस, अपनी लुंगी तो पहन लो। क्या रे? देखो सब लेडीज सामने खड़ी हैं। पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोग तनख्वाह किस बात का लेते? मैं लुंगी के बिना भी डेंजर है। हे, घर का सारा सामान बाहर लेके आने का, अभी अंदर जाने का और लेके आने का। क्या देखता रे, अंदर जाना। सब लेके आओ, जाओ। ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। अरे ये सब क्या हो रहा है पिताजी? सुनिए पुलिस साहब, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दूंगा। देखो सबसे पहले सारा पैसा लौटाने का, फिर आराम से आके इस घर में रहने का। तो मेरा सामान नहीं कर सकते, ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस समझा क्या? ए चिरकुट लोग जल्दी से सामान लेकर जाने का कह रहे हैं। मोटे चल उठ जा। अभी नहीं, मुझे सोना है, सोने दो। ए पलंग उठाओ जल्दी चलो। अरे जल्दी उठा कर ले जा रहे हो, वो हमारे मेहमान हैं। ए
घर में बिस्तर पे तू डेड बॉडी रखा। सुनिए, उन्हें छोड़ दीजिए, वो हमारे मेहमान हैं। ए, हम तेरा मेहमान को ऊपर भेज देगा। ए बड़ो, तेरे को मालूम नहीं उली बहुत डेंजर आदमी है, समझा क्या? मैं विनती करता हूँ। अरे कृष्णा, ये हमारे पिताजी है ना? ए डेड बॉडी गिराने का। अरे अरे, लेकिन ये सब क्या है? अच्छा चल। ये दोनों कौन है रे? पुलिस से टक्कर लेने को आया? तेरी खैर नहीं। निकालो इनका कछुमर अच्छी तरह से। हम कुछ नहीं करने वाला, नहीं तो ये दोनों बच्चे डर जाएगा। शाबाश। किसी को मत छोड़ना। लगे रहो। ये हुई ना बात। तू मार खाने के लिए बहुत अच्छे टाइम पर आया है। हद तेरी। अब देखो उली का ताकत, हमें बहुत बड़ा डेंजर। भूतनी का मुझे डेड बॉडी बोल रहा था। तुम दोनों का चटनी बनाएगा रे। हमको छोड़, फिर तेरे को दिखाता। शेक हैंड करता। अरे हमारा हाथ छूट गया, फिर देखना अम्मा। अब तो तुझे पूरा खानदान याद आएगा। क्यों, सही कहा? बस करो। ये अब बोल रसकला। और तेरे को तो मैं आज मैं छोड़ देता, अभी तुम लोग छोटा बच्चा, नहीं तो मैं, समझा? आयो मैडम, अब देखो होली का कमाल देखो, आज हमको हमारे माँ के दूध का कसम और मूंछ का भी। आयो यो, हाँ, आओ। शिवराम, हमारे पैसे इज्जत से लौटाने की बजाय तुमने गुंडागर्दी शुरू कर दी। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, ये लोग गुंडे नहीं हैं, इनका ट्रक खराब हो गया है, इसलिए ये दो दिन के लिए हमारे मेहमान हैं। सुनो बेटी, आज हमने इनकी रक्षा की तो तुम्हें बहुत बुरा लगा, तुमने भी तो अपने गुंडे भेजे, क्या वो गलत काम नहीं है? ये पूछने वाले आप कौन हैं? क्या आप इनके वकील हैं जो इस तरह इनकी तरफदारी कर रहे हैं? बात करनी है तो मुझसे करो, उन लोगों से क्या कर रही हो? यहाँ सब मैं संभालता हूँ, वैसे भी हमने बहुतों को सीधा किया है, क्यों राम? हाँ। सुनो बच्चों, ये अगर दिखा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम शराफत छोड़ें। देखे पिताजी, हाँ? इन लोगों को इतनी शराफत दिखाने की जरूरत नहीं है। अपना मुंह बंद रख, तुझे बोला। अरे आप, तुम कहो। सुनिए, इसी वक्त ब्याज समेत मेरे पैसे लौटाइए। अब क्या हो गया? ओहो, लौटाने की औकात नहीं है, है ना? ए, उनसे बात मत करो, मुझसे बात करो, मुझसे। ए,
देख रहे, इनका नाम गायत्री है। गायत्री या गंगोत्री सब मैं देख लूंगा, तू निकल यहाँ से। तू क्या यहाँ के चीफ मिनिस्टर की औलाद है? अपनी खूबसूरती किसी और को दिखाना, इधर नहीं। क्या तुम मेरे साथ गुंडागर्दी करोगे? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मुझसे टकराने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे मैं तो डर गया पिताजी, मेरा क्या होगा? क्या होगा? अब जा यहाँ से। ये जो तुम सब पटेल का नाम ले रहे हो ना, ऐसे बहुतों से निपट चुके हैं हम अपनी जिंदगी में। हाँ, जा जा। और कह देना अपने पटेल से, अगर अपनी माँ का दूध पिया ना, इधर मेरे सामने आए। ऊपर वाले का शुक्रिया कर कि मैं औरतों की इज्जत करता हूँ, इसलिए अब चुपचाप चले जा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ से जाने में ही तेरी भलाई है। ए, मैं चुपचाप बैठा तो तू हीरो बनेगा क्या रे? मैं बताऊं क्या? बात सुन, ये पंगा तेरे को भारी पड़ेगा, पटेल तेरे को गाड़ देगा रे। तेरे को मालूम नहीं है पटेल साहब की बेटी? पटेल साहब को पता चला ना कि तुमने हम लोगों से पंगा लिया, तो तुम लोगों का लाश का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। मिस इंडिया, तेरे जैसी बिगड़ी हुई हसीनाओं को ठीक करना मुझे अच्छी तरह आता। एक रापटा दूंगा ना तो तेरी और तेरे पटेल की अकड़ हमेशा के लिए निकल जाएगी। हाँ। तुम्हें लगता है तुम किसी को भी झुका सकते हो? No doubt at all. ऐसी बात है, तुम्हारो रपटा। मारो मारो ना, अब क्या हो गया? मारो। मजा आया? तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? वो बहुत खतरनाक है, वो जवाब जरूर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, ऐसे लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, इनका जोर सिर्फ कमजोरों पर ही चलता है। देखो बेटा, तुम पटेल के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं आपसे विनती करता हूँ आप लोग फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग है ना आपके साथ, वो लोग हमारा क्या बिगाड़ेंगे? वो जब भी जो करेंगे देखी जाएगी, हम भी कोई कम नहीं। आपने सही कहा, हम पीछे नहीं हटने वाले। सुनिए छोटा मुंह बड़ी बात पर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो बात ये है कि कुछ लोग आपका जो ट्रक है ना, वो लेकर चले गए हैं। किसका ट्रक? आपका। किसकी हिम्मत हुई मेरा ट्रक ले जाने की? पटेल के लोग आए थे, वही लेके गए हैं। आपने उनकी पिटाई की ना, तो वो ट्रक को पटेल के घर ले गए हैं। अंदर चलो। ए जल्दी, फास्ट क्विक, टाइम हमारे पास बहुत कम है रे, जल्दी उतरने का। ए तुम चुपचाप कड़क क्यों रे, जल्दी काम करने का, गौर रासकला। सुनो राम, हम चुपचाप अपनी गलती मान लेंगे और अपना ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हमारे लिए अच्छा ये है कि हम अपनी गलती को मान लें। मैंने कोई गलती नहीं की है। चुपचाप कड़ा आई आ। कुछ समझा इसे? ये कभी समझा है क्या? अयो रामा, अयो गायत्री मैडम बाहर आ गया, अब क्या होगा? अगर अभी थप्पड़ लग गया तो इधर भूकंप आ जाएगा। अयो रामा, अब सब गड़बड़। माफी मांग लेते हैं। नमस्ते बेटी, यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? अरे हम तो खास तुम्ही से मिलने आए हैं, हमसे गलती हुई इसलिए हम माफी चाहते हैं। हम तो ऐसे ही घबरा गया, लगता है ये लोग हमारा पावर समझ गया। मैडम, ही हिट्स यू हर्ट्स, आई एम सो सॉरी, प्लीज गिव माय लॉरी। इस तरह हाथ जोड़कर माफी मांगने से क्या फायदा? अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई क्या? अपनी गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है, पता है ना? राम चुप हो जाओ। क्या रे, बहुत हीरो बनता था, अभी हालत खराब तो माफी मांगने आया है ना? मैं तेरे को माफ क्यों करेगा रे, बोल बोल बोल। हमको मालूम है तुम लोग अभी सुधर गया, क्योंकि हुल इतना डेंजर कि सब सुधर जाता। अच्छा अच्छा, लोग भी हमारे सामने बच्चा, तुम लोग हिम्मत जुटा के हमसे माफी मांगने आया। देखो पंगा तुमने हमसे लिया।
अभी तुमको हमारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम रे। हमसे दुश्मनी सबको भारी पड़ता, हमारा स्टाइल ही यही है, गुस्सा आया तो डायरेक्ट मर्डर। जब हम छोटा सा था तब से इतना सारा मर्डर किया कि ये हाथों को लगता कि हम किचन में सब्जी काटते जे। इस गांव का बच्चा बच्चा बोलता कि हमको उली जैसा डेंजर बनने का। अयो हेलो, हम तुमको सुलाने के लिए स्टोरी बताया, ये रियल स्टोरी है मैन। अब देखो हमारा गायत्री मैडम किसी को जल्दी माफ नहीं करता, अब तुम तीनों ने इनको मिलकर बहुत नाराज किया है। इसलिए तुम्हारा ट्रक हमारे पास, अब तुम्हारा खाना पीना सब कुछ बंद, हमको सब मालूम। सुनो बेटी, अगर हमारे पास कुछ है तो वो है सिर्फ ये ट्रक, उसी की बदौलत हम अपना पेट भरते हैं। अब हमारी जो भी गलती हो उसे माफ करके हमारा ट्रक वापस लौटा दो। माफी तो तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझा क्या? मैडम अगर हमें ट्रक मिल जाए तो मैं, पिताजी और मेरा भाई, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। क्या कहा, तुम लोग चले जाओगे? पहले सूद समेत हमारी रकम लौटाओ और अपना ट्रक ले जाओ। ऐसा करने की हमारी औकात कहाँ है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखो बार बार माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, समझे? तुम चाहती क्या हो बताओ मुझे, हाँ? ए राम, सब गड़बड़ कर देगा। थप्पड़ मारोगी? मारो मुझे, मारो और मामले को निपटा दो। औरत पर हाथ उठाना कोई बहादुरी नहीं, खुद को बहादुर कहते हो ना। लेकिन एक बात समझ लो, सच्चा मर्द वो होता है जो औरत की हिफाजत करता है, उस पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक जानवर हो। अरे तुम तो जानवरों से भी बदतर हो, इसलिए मुझसे माफी की कभी उम्मीद भी मत करना। एक ट्रक क्या छिन गया, सारी अकड़ निकल गई, आ गए अपनी औकात पर। हेलो, तुम तो रहती हो इस महल में, वो ट्रक हमारी रोजी रोटी है, हमें उसे ले जाने दो। तुम रईस लोगों को पैसा दौलत ऐशो आराम के अलावा कुछ पता नहीं होता है, प्यार और इंसानियत की भाषा तो तुम्हारी समझ में नहीं आती है। मेरी असली दौलत है मेरे पिताजी और मेरा ये भाई कृष्णा, ये है दौलत। तुम हमारा ट्रक वापस नहीं करना चाहती हो ना, तो रखो रखो, तुम भी क्या याद रखोगी। चलिए सुनो, मैं बात करता हूँ। इससे बात करके क्या फायदा पिताजी। हाँ अब आएगा मजा। और सुनाओ तुम कैसे हो, तुम्हें पंचायत से कोई शिकायत तो नहीं है? आप सरपंच तो हमें कोई शिकायत नहीं। अच्छा, राम राम सर जी। राम राम, क्या बात है, मुझसे मिलना है? हाँ जी बिल्कुल, ये पटेल नाम के किसी आदमी ने हमारा ट्रक हड़प लिया है, अगर आप हमारा ट्रक दिलवा दे तो बड़ी ही कृपा होगी। क्या इनकी बात सही है? ये लोग क्या बताएंगे, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये लोग उस कमीने पटेल का नाम लेकर हम पर धौंस जमा रहे थे। अयो, ये गलत जे। ये छोटे मोटे गुंडे नहीं है, बहुत बड़े गुंडे हैं ये। ये तो लुच्चा लोफर और लफंगा है। शिवराम जैसे सीधे साधे इंसान को ये लोग पीटने चले आए, वो तो अच्छा हुआ हम सही वक्त पर वहाँ पहुँच गए, मेरे बेटों ने तो उनका कचूमर निकाल दिया। एक है वीर तो दूसरा है परमवीर, आपको देखना चाहिए था कि कैसे इन्होंने जमकर धुनाई की। इतना ही नहीं, वो पटेल है ना, वो सबसे बड़ा कमीना है, मैंने तो उसके गुंडों की हालत खराब कर दी, और मेरे भाई ने उसकी बेटी को एक राबता मारा खींच के, उसके बाद क्या, ये तो भाग गए। अब हमने सरपंच को सब कुछ बता दिया है, अब देखना इनकी कैसी हालत खराब होती है। बिल्कुल पिताजी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुमने क्या किया है, पटेल के घर में घुस के ही तुमने पटेल की बुराई की है। अब इस गेट के बाहर सही सलामत निकल कर तो बताओ। अच्छा, तो ये है वो पटेल जिसकी तुम सब गुलामी करते हो? हाँ बिल्कुल, हम तो यहाँ बुरे फंसे क्यों। पटेल साहब। क्या यार। पिताजी। हुजूर नमस्ते। आपकी शान शौकत के तो क्या कहने पटेल साहब, मुझ जैसा मामूली इंसान ये समझ भी नहीं पाया कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं खुद पटेल साहब से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपके साथ खड़े होने का मौका मिला, आपके कंधे पर हाथ रखकर खड़े होने का मौका मिला। सच कहूँ तो मुझे ये सब एक सपने जैसा लग रहा है। खैर, आप तो बहुत ही महान इंसान हैं। मुझे अपनी गलती का पछतावा है और हमें माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं। वहीं रुक जाओ। तुम लोगों की हिम्मत की मैं सचमुच दाद देता हूँ, मेरे आदमियों से उलझने की हिम्मत कोई नहीं करता। मेरे पहलवानों को पीट कर तुमने बड़ा कारनामा किया है, मैं बहुत खुश हूँ। इधर आओ होली। आया सरकार जी। बोलिए। इनके ट्रक के चाबी और शिवराम के घर के कागजात लेकर आओ। लेकिन सरकार जाओ।
देखा कृष्णा, ये कितने बड़े दयालु हैं। इन्होंने हमारी बात मान ली, ये तो साक्षात न्याय की मूर्ति है। मैं तुमको कब से समझा रहा था। मैं बच्चा हूँ ना। देखो, ये दौलत से ही बड़े नहीं, ये दिल के भी बड़े हैं। लीजिए। ट्रक की चाबी और कागजात एक शर्त पर मिलेंगे। हाँ, मैं बोलेगा। आप ही बोलिए। तुमने शिवराम के साथ इंसाफ किया ना, अब जरा मेरे साथ भी तो करो। तुम लोग सुना क्या रहे? हम तो बस, अगर राम मेरे पहलवानों से हार गया तो तुम्हें ये चाबी और कागजात नहीं मिलेंगे। चलो अब देखते हैं तुम में कितना दम है। सुन रहे हो पटेल, माना कि इस गांव के लोग तेरे सामने झुकते हैं, लेकिन एक बात सुन ले, मैं अलग टाइप का हूं। तेरे इन दो नमूनों को तो मैं चुटकी बजाते ही मसल दूंगा। अब तो इनकी वाट लगेगी और तू होगा रेफरी। ओके यार। ये तो सरासर नाइंसाफी है, एक पर दो पहलवान टूट पड़ेंगे। पिताजी चिंता मत कीजिए, राम 10 के बराबर है। क्यों शुरू हो जाए? कृष्णा, अब तो तू गया। अब इसके जबड़े तोड़ देंगे भाई। ड्रिंक यार। अब मेरी बारी। Thank you.
देखा? वाह बेटे, गया काम से। क्यों? देखा मेरे बेटे का कमाल। हे, रुक जाओ, बेवकूफी मत करो। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, सुना तुमने? सुनो, मारो इसे। ये जब मुझे पीट रहे थे, मैंने तुझे देखा। उस समय मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुझसे मेरी तकलीफ देखी नहीं जा रही। तेरे दिल में इंसानियत देखकर लगता नहीं है कि तू इस पटेल की लड़की है। I love you। प्यार कभी भी किसी को किसी से भी हो सकता है पटेल। लेकिन तू ये बात नहीं समझेगा। तेरी आंखों पर तो दौलत और झूठी शान की पट्टी लगी है ना। इतिहास इस बात का गवाह है कि बड़े बड़े राजा भी एक सेकंड में सड़क पर आ जाते हैं। इसलिए इंसान के पैर अगर जमीन पर ही रहें तो ही अच्छा रहता है, समझा क्या? अब बातें बहुत हो चुकी हैं पटेल, अब चलता हूं मैं। ये देख, तेरी नाक के नीचे से मैं ट्रक की चाबी और कागज साथ ले जा रहा हूं। गुड डे, जल्दी ही आऊंगा। अब ऐसा सिचुएशन में हुली का जाना ही अच्छा होगा बेटा। हुली, अयो हुली। देखो, सब पटेल की बहुत इज्जत करते हैं। बहुत इज्जत करता जे। लेकिन आज मेरे बेटे ने आज सबके सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये तो सच बोला जी, बिल्कुल सच। अब ये बात वाकई काबिल तारीफ है ना। वही शक नहीं। अब तुम मानोगे ना कि हम पटेल से ताकतवर हैं। मैंने तो कभी ना बोला ही नहीं ना। लेकिन तुम्हारे साथ क्या किया जाए? आइयो, क्या करने, काम को छोड़ने का? मैं बताता हूँ ना, राम बहुत थक गया होगा, उसका बदन दर्द कर रहा होगा। अब उसकी मालिश करने के लिए हमें कोई तो चाहिए ना। एकदम करेक्ट है, हम उनका मालिश जिंदगी भर करेगा। हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिनों तक। थोड़ा सा दिन, बस इतना ही। अरे तुम किसी बात की चिंता मत करो, बस चलो। कॉलर नहीं जे, बहस करता है। उठाओ उसे। आयो उली, बहुत डेंजर। अरे हम पटेल का बॉडीगार्ड, हमको छोड़ो। अरे सब हम पैसे का जे, हमको छोड़ो। ये लीजिए, ये रहे आपकी जायदाद के कागजात। आज से सब कुछ आपका हो गया। आपका एहसान नहीं भूलूंगा। आप चाहते तो सिर्फ अपना ट्रक छुड़ा सकते थे, लेकिन आपने मेरी भी मदद की। अरे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये सारा कमाल मेरे दोनों बेटों का है। बुरे दिन बीत गए, अब आप शान से जीना। कामन्ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए ना। आपने इतना कुछ किया, इसलिए कुछ दिन हमारे साथ ही रहो। अब क्या कहूँ, हमने क्या किया, ये सब तो ऊपर वाला खेल खेलता है। क्यों बच्चो, अब हंसते रहो। उली करता मालिश तुम्हारा, तेल से करता मालिश तुम्हारा, तुमको दर्द से मिलेगा छुटकारा, बिरम हो जाएगा 9-2-11, उली का मालिश। बैड बॉयज, स्टॉप म्यूजिक, वर्क हार्ड।
इंग्लिश मेरे को भी आता है, तुमको मालूम। चुपचाप अपना काम कर। हे होले, ये पटेल शुरू से इतना खड़ूस है क्या? आयो, ये एक बहुत लंबा कहानी जे। हाँ, लेकिन फिर भी सुना। बहुत साल पहले हमारे पटेल साहब बहुत गरीब आदमी था जे, वेरी वेरी पुअर सर। उन्होंने बहुत मेहनत करके लॉरी टैक्सी सब चला के पैसा कमाया सर, फिर बहुत अमीर हो गया जे। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, पैसा के साथ ताकत भी आ गया, सब उनको सलाम करने लगा। बहुत जमीन खरीद के वो जमींदार बन गया। वो मदद नहीं करता क्योंकि किसी ने भी उनको मदद नहीं किया। अब और क्या बोलेगा? आई एम सॉरी जे, पूरा स्टोरी सुनाएगा। अब आगे बोल, उस लड़की के बारे में बता। ओ गायत्री, हमारा मैडम बहुत सुंदर और सुशील जे, वो बिल्कुल अपने माँ के जैसा संस्कारी। हमारे पटेल साहब का वो जान जे, उनके लिए वो दुनिया में कुछ भी कर सकता। गायत्री मैडम का एक भाई भी है, लेकिन वो बचपन से हमको अपना भाई मानती। हम सगा भाई नहीं जे, फिर भी गायत्री मैडम हमको अपना आंखों का तारा मानती। हुली का बॉडी इतना डेंजर कि गायत्री मैडम हमको अपना बॉडीगार्ड बनाया। हमारा बॉडी इतना अच्छा कि आज हम तुम्हारा मसाज भी करता। हमको क्या मालूम था कि हमको किसी का मसाज भी करना पड़ेगा। अब हम तुमको क्या बताएगा रे। आइए सुनो, मालिश तो ठीक है ना जे? हुली, उसका नाम गायत्री है ना? गायत्री मैडम जितना सुंदर उतना ही उनका गुस्सा भी खतरनाक। हाँ, वो तो मैं देख चुका हूँ। तुम तो कुछ भी नहीं देखा, उनका सारा गुस्सा हम अकेले झेलता। तुमको मालूम, उनको एक बार गुस्सा आया तो हमारा ये मस्सा निकाल दिया। ये असली है क्या? डुप्लीकेट जी, ये मस्सा देख के सब लेडीज हमको क्यूट बोलता है, इसलिए हम ये डुप्लीकेट मस्सा लिया। ये देखो देखो, अभी हम कैसा लगता, एक छोटा बच्चा ना। अबे तो कुछ भी कर ले, शक्ल से कार्टून ही लगेगा। वेरी गुड जोक जी। जरा उधर देख। मिस्टर कनका, आपके पिताजी को हमने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, पता चल गया ना? यू हैप्पीज ना? थैंक्स। मुझे थैंक्स कहने की क्या जरूरत, ये तो हमारा फैमिली मैटर है ना। अरे स्टॉप स्टॉप, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। सॉरीज। कृष्णा चुपचाप निकल ले, इसी में भलाई है, कहीं सारा खेल बिगड़ ना जाए। ये कैसी हरकत है, मेरी जान निकल गई थी। अजीब आदमी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई प्यार में पागल होकर अपनी चप्पल पेपर बोर्ड पर रखेगा। उस बोर्ड पर तेरी चप्पल को तैरता हुआ देखकर मुझे बहुत हंसी आई। ए जाना, ये सब क्या है रे, प्यार में चप्पल का क्या काम? चप्पल तूने रखी थी, तू मेरा भाई है फिर भी मेरे प्यार का दुश्मन बन बैठा है। हाँ बोल ना। मैं तेरे जैसा नहीं हूँ, मैं नौकरी करूंगा, जिंदगी सवारूंगा, मेरे बाल बच्चे होंगे, शराफत की जिंदगी जीऊंगा, मेरा सुखी परिवार होगा। हाँ, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरा वादा है, मैं आग में कूद के अपनी जान दे दूंगा। उसके प्यार में तू इतना पागल हो गया है? देख, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अबे जरा साफ साफ बता। मैं क्या बताऊं। अच्छा, और वो क्या बोलती है? मामला तो फिट है। लव? हाँ लव यार, उसे प्यार हो गया है। हाँ, वो भी तेरे साथ। हाँ, इस चलते फिरते गधे के साथ। बड़ी फूटी किस्मत है उसकी। ये देख बकवास मत कर, लेकिन तेरी निकल पड़ी गधे। हाँ। ये बात तूने पिताजी को बताई? देख यार, तू ही बता देना। ए, मैं नहीं बताने वाला। प्लीज प्लीज, कह रहा हूँ ना। चल चल बस कर, तू मेरा भाई है ना। बहुत हो गया। राम। हाँ बोल, क्या बात है? तूने बात की क्या? हाँ कर लूंगा। पिताजी पिताजी, बाहर आइए पिताजी, राम को आपसे कुछ काम है। क्या बात है, रात का वक्त हो गया है, मौसम बहुत अच्छा है, जल्दी से मेरा गिलास बना दो, आज मैं बहुत मूड में हूँ। बैठ जाइए पिताजी, बैठ जाइए। जल्दी से बना दे बेटा, जल्दी खोलना। पिताजी। हाँ। आज मैं आपसे एक जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। सुन राम। हाँ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, जो बात करनी है सब कर ले, मैं सब सुनने को तैयार हूँ। ठीक है। मजा आ रहा है ना? हाँ। हाँ।
अब कहता हूँ स्टार्ट। आपको मुझसे लाइफ में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना? मेरे कारण आपके सर पर कोई बोझ तो नहीं है ना? वैसे मैं खुश हूँ कि तुम दोनों ने मुझे आज तक कभी भी परेशान नहीं किया। देखो, मैंने कहा था ना। देखिए पिताजी, हम सोच रहे हैं कि जो आपके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, हम उसे थोड़ा सा कम कर दें तो कैसा रहेगा? ए भगवान, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ रे, आज मेरे बेटे खुद मुझसे आकर कह रहे हैं कि वो मेरी जिम्मेदारियां कम करना चाहते हैं। सुनिए तो, ऐसे दो हीरे जैसे बेटे दुनिया में और कहाँ मिलेंगे? मुझे गर्व है तुम पर मेरे बच्चे। जान से मारेंगे क्या? भगवान, मुझे ऐसे दो बेटे देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात तो सुनिए, तुम लोगों की बात सुनकर मैंने फैसला किया है। क्या मतलब? हमें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। ओहो, और इसीलिए अच्छा होगा हम लोग मिलकर एक कंट्री बार खोलें। पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो सब हो जाएगा। हाँ। लेकिन हम लोग तो निजी जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे। हाँ। मेरी निजी जिम्मेदारियां? मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए। मुझे ये ख्याल आ रहा है कि इस घर में एक बहू आ जाए तो हम सब सुखी रह सकते हैं, इसीलिए इस घर में तुम्हारी एक माँ आ जाए तो कैसा रहेगा? पिताजी, शर्म नहीं आती आपको? मुझे तो लगता है कि आप सिठिया गए हैं। हम दो बड़े बड़े बच्चे हैं आपके, आपका बुढ़ापा सामने है और आप जवानी में लौट रहे हैं। उम्र देखिए अपनी, बेशर्म कहीं के, जाके सो जाइए। ए, इतना हंस क्यों रहा है तू? सुन कृष्णा, पता है मुझे क्या लगता है? कि शिवराम की बेटी से पिताजी शादी करने वाले हैं। वैसे इनकी बातें सुन के लगता है कि कुछ भी हो सकता है। ए, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों का शक दूर कर देता हूँ। कर दीजिए। मेरे दिमाग में शादी करने का कोई विचार नहीं चल रहा है। अच्छा है। देखिए, मैं आपको सब साफ साफ बताता हूँ। हाँ तो बताओ ना। ये जो अपने शिवराम अंकल है ना? हाँ बिल्कुल है। और उनकी एक सुंदर सी बेटी है ना? हाँ, उससे क्या हो गया? उससे क्या? अपने कृष्णा को। कृष्णा को क्या? प्यार हो गया है। हाँ बोलना। ट्रू लव पिताजी। इसे लव हो गया है? ये लव का मामला है पिताजी। इस गधे को प्यार हो गया? चल निकल यहाँ से, पहले एक जिम्मेदार इंसान बन के तो दिखा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुझ जैसा पति पाकर, सुन राम, इसके जैसा नाकारा लड़का उस मासूम लड़की से शादी करेगा, ये गलत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप एक बात सुनिए। वो क्या? ये गैर जिम्मेदार लड़का जो नहाता नहीं था, हमेशा मैले कपड़े पहनता था, आज सज धज कर एक दूल्हे की तरह अपनी हीरोइन के पीछे चक्कर काटता है। ये सच है क्या? बिल्कुल सच है पिताजी। एक लड़की के लिए तू हीरो बनता फिरता है? ऐसा नहीं है। कृष्णा, मुझे कनका से शादी करनी है। बेटा राम, इसकी शादी करवानी पड़ेगी। अब क्या करे पिताजी, ये बड़ा हो गया है। डोंट वरी, फॉलो मी। आपने शराब पी रखी है और वो शरीफ लोग, अंदर जाइए, अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। शादी तुझे ही करनी है ना, तू ही समझाए ने। मुझे बता, मैं तुझे शराबी लगता हूँ? ओ हो हो हो, स्वागत है, स्वागत है। क्या बात है कामन्ना, आज क्या खास बात है? खास बात कुछ नहीं है, हम तो बस आपसे मिलने आए हैं। हाँ। आप लोग मेरे घर आए, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अब इस बारे में क्या कहूँ? हाँ, दरअसल हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या? मुझसे जरूरी बात? हमें अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। ये लड़कियों की तरह शर्माना बंद कर, दूल्हा बनना है ना तो एक मर्द की तरह बात करना। शादी करने निकला है। आइए आइए, बैठिए बैठिए। तुम बोलो। मैं क्या बोलूं, आप बड़े हैं, आप बोलिए। समझा कर बताइए, क्या खास बात है? कुछ खास बात नहीं है, दरअसल हमारा कृष्णा आपसे मिलने के लिए बेताब था। नमस्ते अंकल। नमस्ते। वैसे आपका कृष्णा बड़ा होनहार है। होनहार तो है। हाँ, एक बात और कहूंगा, ये बहुत ही बलवान लड़का है। हाँ। आप मुद्दे पर आइए ना पिताजी। अपने बेटे की तारीफ करने से मुझे मत रोको राम। पिताजी, इसने अपनी माँ के सारे गुण अपना लिए हैं। देखिए, मेरा भाई बहुत ही होनहार है, आप इसकी शक्ल पर मत जाइए, दिल का बहुत सच्चा है, अपनों को मुश्किल में देखकर ये जान देने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ। बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह। रुको राम, ये अपने परिवार का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
अगर मुझसे कोई गलती हुई तो क्षमा करना। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है वो। अरे शिवराम भाई, हम आपको अपने से अलग थोड़ी समझते हैं। हाँ, हम सब यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम इसे अपना घर समझते हैं, इसे अपना परिवार समझते हैं। हाँ लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं ना खुल के बताएं तो अच्छा रहेगा। पिताजी अब मैं साफ साफ बात करता हूँ। हाँ। ये जो मेरा बेटा कृष्णा है ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, इतनी सी बात है। हाँ। ये शादी कभी नहीं हो सकती। हम लोग बहुत कम समय में काफी करीब आ गए और हमें इसलिए लगा कि हम ये रिश्ता मांग सकते हैं। खैर कोई बात नहीं पिताजी। हाँ। चलिए कृष्णा चलो उठो, हम लोग चलते हैं। जरा एक मिनट, मेरी बेटी की शादी एक बार टूट चुकी है। मैंने अपनी बेटी की शादी कहीं तय की थी, धूमधाम से उसकी शादी करना चाहता था। पैसों का इंतजाम करने मैं पटेल के पास अपनी जमीन गिरवी रखने चला गया ताकि मेरी बेटी की शादी हो सके। बिश्वा ये लो 11 लाख रुपए हैं। शिवराम जी की बेटी की शादी है ये उसी के लिए है। मैंने ये सोचा कि बेटी की शादी से बड़ा पुण्य और क्या है, लेकिन हाँ कागजात तैयार करवा के इनके दस्तखत ले लेना। लेकिन सर। लेकिन क्या? इनकी बेटी की शादी है भाई, वो हमारी भी तो बेटी हुई जैसा आप कहे। हाँ शिवराम जी सबको न्योता दे दिया। हाँ सबको न्योता दे दिया है, बस शादी की छोटी मोटी तैयारियां रह गई। ये तो बहुत ही अच्छी बात है शिवराम जी। अब मुझे क्या पता था कि मैं फंसने वाला हूँ। पटेल की रकम मैं समय पर वापस नहीं दे पाया और मैं उसके ब्याज तले दबता चला गया। उसने मुझ पर जरा भी रहम नहीं किया और वो मेरी बेटी की शादी रोकने चला आया। इसमें उस मासूम का क्या कसूर? मेरी बेटी जब 7 फेरों के बंधन में बंधने वाली थी तभी वो अपने आदमियों के साथ शादी के मंडप में आ गया और वो तमाशा किया कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरी गरीबी मेरी बेटी के लिए एक अभिशाप बन गई। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके अपना गुस्सा मुझ पर उतारा। आइए मुहूर्त का वक्त हो ही गया है। ये क्या पटेल साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? शिवराम तुम ये कैसे भूल गए कि शादी से पहले तुम्हें मेरे पैसे वापस करने थे, सूद समेत। तुमने क्या सोचा तुम अपनी जुबान से पलट जाओगे और मैं यूं ही देखता रहूंगा? अरे चलो उठो यहाँ से। अब कौन है मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे आप कुछ बोलिए ना, कुछ बोलिए। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फिर कभी यहाँ बिल्कुल नजर मत आना। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए, चलो यहाँ से। मेरी बात सुनिए बाबू, चलो रुक जाइए। मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए। मैं नहीं रुकने, सुनिए। चलो बहन जी मेरी। पटेल साहब ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, वो बेचारी जीते जी मर जाएगी। लड़के वालों को रोक दीजिए, बस एक बार इसकी शादी हो जाने दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, वादे के मुताबिक मेरे पैसे लौटा दो वरना तुम मुझे जानते हो। उस दिन के बाद से मेरी फूल सी बच्ची मानो मुस्कुराना भूल ही गई, पर मैं भी क्या करता। पटेल ने साफ कह दिया है कि वो मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगा। तो इसमें उस पटेल से डरने की क्या जरूरत है? हाँ? आपने पटेल के पास अपनी जमीन गिरवी रखी और कुछ पैसे लिए, ये तो एक लेन देन का सौदा हुआ ना, इसे शादी का क्या लेना देना? अब आप मेरी बात सुनिए, आपके इस लेन देन में आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है, इसलिए पटेल तो क्या उसका बाप भी ये शादी नहीं रोक सकता है। आपको ये शादी मंजूर है या नहीं बोलिए? आप तो राजी है ना, कोई दिक्कत नहीं? तो रिश्ता पक्का, अब ये पटेल क्या बिगाड़ेगा।
है पटेल, बाहर निकल रहे क्या रे? तुम खुद को बहुत अशाणा समझता है रे, है? 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 हमको देख के तुम सबको बुला लिया हमसे तुम इतना डर गया इधर राज करने को तुम गवर्नमेंट है या भगवान? ये चुप रहे। ए पटेल, क्या बोला था तुम? शिवराम का बेटी का शादी तुम किसी से नहीं होने देगा, और अगर कोई करेगा तो तुम उसका गला काट देगा। ये साइड प्लीज। शिवराम भाई की बेटी कनका की शादी कामना का बेटा कृष्णा के साथ होगा। अगर तुम्हारे में ताकत है तो तुम ये शादी रोक के दिखाने का। बात समझ गया ना? अब जो कर सकता है करने का, लेकिन हमारा एक बात सुनो, तुम ये शादी नहीं रोक सकता। वो तुमको ऐसा फेंकेगा जैसे चाय में से मक्के पता भी नहीं चलेगा। ए होली, ए! चुपचाप वापस जा, ऐसे कुत्ते की तरह हमारे सामने नहीं भौंकने का। हमारा नाम है होली द डेंजर, तुम सब हमारे सामने एक छोटा सा चूहा है। ए! सुन पटेल, तुम इधर भगवान बन के रहने को इन सबको चमचा बनाया, इतना तो ठीक, लेकिन तुम सोचता इस गांव का सब लोग तुमको भगवान मानेगा, सब तुम्हारा गुलाम है रे। देख, एक बार ये शादी हो जाएगा ना तो तुम्हारा गांव में जो पोजीशन है वो कट हो जाएगा। काचक 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 कीमा बन जाएगा, समझा रे? क्या बोला? हम तुम्हारा कीमा बना देगा, ये हमारा चैलेंज है, समझा? सुनो मुन्ना, इसकी हड्डियां तोड़ दो। ऐसा नहीं करने का, हमको माफ करने का। ये हमारा आइडिया बिल्कुल नहीं था, हमारा बोला एक एक शब्द वो सब उसका बोला हुआ था। ए उली, अच्छा वो तुम आ गया, तूने इनको सब समझा दिया ना एकदम परफेक्टली, थैंक यू। देखिए पटेल साहब, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। जिस तरह हमने आपके इस चेले को सीधा कर दिया है, हम आपको भी कर देंगे। याद रखना, राम है मेरा नाम। अब चलता हूं यहां से, गुड लक। चलो ले। शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। चलती हूँ पंडित जी। मुझे कुछ कहना गायत्री। देखो, डायरेक्टली बात करना हमेशा अच्छा होता है। मैंने जो किया, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। वो शिवराम जी की जायदाद को लेकर तुमसे गलतफहमी हो गई थी। देखो, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे उनका भी साथ देना था। उनकी भी तुम्हारी तरह एक जवान और खूबसूरत बेटी है, और उसकी शादी का सवाल था। देखो गायत्री, तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, खानदान, इज्जत, पैसा, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन गरीब के पास क्या होता है? जरा उनके बारे में भी सोचो। अगर तुम उन्हें माफ कर दोगी तो वो पूरा परिवार तुम्हें अपने दिल से सच्ची दुआएं देगा। मेरी बात मानोगी तो ठीक है, नहीं मानोगी तो भी ठीक है। चलता हूं। मैडम, राम जो बोला एकदम करेक्ट, वो दिल का एकदम साफ, वो कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देगा। हमारा क्या, हम तो एकदम गलत आदमी था, लेकिन उसने हमको हीरा जैसा बना दिया, टॉप क्लास। अगर तुम उन्हें माफ कर दोगी तो वो पूरा परिवार तुम्हें अपने दिल से सच्ची दुआएं देगा। देखो गायत्री, तुम्हें भगवान ने सब कुछ दिया है, खानदान, इज्जत, पैसा, सब कुछ है तुम्हारे पास। मेरी बात मानोगी तो ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, हम सब फिक्स करेगा। क्या? I'm sorry.
ठीक तो ना कृष्णा? कृष्णा तुझे संभाल, ठीक है, सब ठीक होगा। पता है आज के दिन हर सुहागन इस पेड़ के पास आकर मन्नत मांगती है। ओ अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पर मांगी हुई हर मन्नत पूरी हो जाती है। गायत्री तुम भी बांधो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं बांधूंगी, रहने दो, मेरी शादी थोड़ी हुई है, तुम बांधो ना। अब किसी से यह मत कहना कि तुम शादीशुदा नहीं हो। आ गए पटेल के चमचे, एक दो तीन चार पाँच, आज तो मैं गिनती भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारे आ गए। क्या तुम में से कोई मर्द नहीं है, अकेले नहीं लड़ सकते? बोलो। लगता है इन्हें अब समझाना ही पड़ेगा। एक बात जरूर कहूंगा, तुम पटेल के चमचे हो बहुत जिद्दी। मारो। इन्हें कोई नहीं छुएगा। लेकिन क्यों मैडम, आखिर इसने जबरदस्ती आपके गले में वो माला पहनाई है। किसने कहा इन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया? जो हुआ मेरी मर्जी से हुआ, मैं इनसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। लेकिन मैडम। कुछ मत कहो, जाओ। जी। लगता है आज सूरज कहीं और से निकला है। इसमें इतना हंसने की कोई जरूरत नहीं है, वो लड़की सही वक्त पर आ गई, इसलिए हमारे राम की जान बच गई।
अगर वो उन गुंडों को ना रोकती तो फिर क्या होता? उस लड़की ने अपने प्यार का इजहार किया, इसलिए ये बच गया। अगर मैं पटेल की जगह होता तो अब तक मैं इसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता और इसकी लाश किसी को मिलती भी नहीं। मुझे तो एक बात का शक हो रहा है। क्या जे? ये कामन्ना हमारा असली बाप भी है या नहीं? अपना मुंह बंद रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। इस पूरे मामले में सिर्फ राम की नहीं, तुम दोनों की भी गलती है, समझे तुम? ए, क्या बकरा तू, तेरी बोलती बंद क्यों हो गई है? हम आपको बताता, अब सुनो कामना, कृष्णा का गला खराब है इसलिए वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो अपना दिल का बात सबको बताना चाहता। अब पटेल का जो बेटी है वो राम को अपना पति बोला, इसलिए कृष्णा को ये खुशी कि पटेल की बेटी से उसका भाई का शादी होगा, इसीलिए ये हम सब के लिए बहुत खुशी का बात है। जय यही बोलने का था, है ना? आयो कृष्णा, तुम कुछ मत बोलो, सबसे पहले अपना गला ठीक कर। चलो चलो चलो, ये खुशी दिखाने को कड़ा हो गया, अब बैठेगा। कामन्ना, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई तूफान आने वाला है। ये बिल्कुल मत सोचना कि आज मैं यहां लड़ने आया हूं, बल्कि मैं एक बहुत ही खास मकसद से आया हूं। मेरे यहां आने की वजह है मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरी बेटी। उसी ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि जिंदगी में दौलत ही सब कुछ नहीं, सबसे अहम है कि हम इंसानियत ना भूलें। मैंने भी बहुत गरीबी देखी है, आज बात कुछ और है, रुतबा है मेरे पास। हिम्मत से इंसान इस दुनिया में कामयाबी पा सकता है। मेरी बेटी के संस्कार और गुणों ने मेरी आंखें खोल दी हैं, इसलिए मुझे शिवराम से अब कोई शिकायत नहीं। सारे मतभेद मैं भूलना चाहता हूं। आज तुम लोग सब ये देखोगे कि इस पटेल का दिल कितना बड़ा है। जब पटेल दोस्ती निभाता है तो वो एक मिसाल बन जाती है। सबसे जरूरी बात, शिवराम की बेटी की शादी की जिम्मेदारी अब पूरी तरह मेरी है। क्यों भाई शिवराम, अब तो तुम खुश हो ना? पटेल साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हम पर यह कृपा कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए आशीर्वाद है। कामन्ना, तुम भी खुश हो ना? पटेल साहब, एक बात कहूं, मुझे तो डबल खुशी हो रही है। हा? और सुनो राम, तुम बहुत होनहार हो और बहुत ही हिम्मत वाले भी, तुम बिल्कुल गलत नहीं थे। अच्छा, अब मैं चलूंगा, मिलते हैं ओली। जी पटेल सर, हमको मालूम ओली द डेंजर इनका फ्रेंड बन गया, इसलिए इनको माफ किया। ए, बस कर, आप निकल। सुनो राम, मजाक करता, ये बात सच है कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ ये तो है, करेक्ट। बात करते हैं। ये सब तेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब किस्मत का खेल है। जब किस्मत चमकती है ना तो तेरे जैसा गधा भी पहलवान हो जाता है, समझा? तो आप ऐसा कीजिए पिताजी, आप इस कार्टून को हमारा ब्यूटी स्पॉट गोद ले लीजिए। देखा कितना कर रहा है ये। अरे कुछ नहीं करने का, तुम आराम करने का, मैं सब देख लेगा। पहले तुम अपना गला ठीक करो। जे कृष्णा बोला था कि उसकी शादी के साथ राम की शादी भी करने का। जब इन दोनों का शादी हो जाएगा तो ये लोग अपने संसार में बिजी हो जाएगा, ये तो फैक्ट। इसलिए पटेल का पूरा जायदाद का जिम्मेदारी अब से हमारा। इनके लिए इतना तो कर ही सकता है ना। आइए राम। क्या बात है राम, जिंदगी की सारी समस्याओं का हल हो गया और तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं? मुस्कुराने की वजह है हमारे पास, वो मुझे पति इसलिए मानती है क्योंकि उसके गले में मैंने एक माला पहना दी है, बस। और सुनो क्या है अब ये गूंगा क्या बोल रहा है? कृष्णा तुमको यह बोलना चाहता कि वो लड़के तुमको अपने दिल से और अपने जान से प्यार करता है। बदल बहुत हो गया तुम लोगों का फेंकना, मुझे समझाने चले हैं। एक बात अच्छी तरह समझ ले, उस लड़की ने अपने दिल की बात सबके सामने कही, उसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। क्या कहा उसने? उसे मुझ पर तरस आ गया, ये सब उसने मेरी जान बचाने के लिए किया और कुछ नहीं। आपके दिमाग में ये बात नहीं जाएगी, वो ऊंचे घराने की लड़की है। ये प्यार में ऊंच नीच,
कुछ नहीं होता है, ये सब दिल का मामला होता है। आंखें चार हो जाती हैं और इंसान दुनिया भूल जाता है। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे जिंदा रहते ही मैं तुम दोनों को घर बसाते हुए देखूंगा। ये देखने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। गायत्री तेरी जिंदगी में एक आशीर्वाद बनकर आई है। तू जानता है कि कृष्णा की शादी तय हो चुकी है, अच्छे मुहूर्त पर उसकी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ तू भी शादी कर ले बेटा। नागैया, नागैया। बोलिए साहब। राम से मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर दी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है पटेल साहब। वो मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तैयारियां ऐसी हो कि सारी दुनिया देखती रह जाए। जी बिल्कुल। हेलो। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? घर बहुत शानदार है। तूने मुझे अपना पति मान लिया और तेरे पिताजी ने आकर रिश्ता कबूल भी कर लिया। आखिर बात क्या है? कहते हैं हम सबकी जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। मुझे लगता है उसी ने हम दोनों को हमेशा के लिए मिलाया है। अगर ये शादी हो जाएगी तो सबकी मुश्किलें हल हो जाएंगी और इसीलिए मैं तेरा स्टाइल मुझे पसंद आया। जब चाहे प्यार दिखाया, जब चाहे अकड़ दिखाई। खैर जो भी हो, सबकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गई। अब ये शादी, प्यार, ये सारी बातें बेमतलब हैं, है ना? गायत्री, एक काम करो, थोड़ा फ्लैशबैक में जाकर हमारी कहानी के बारे में सोचो। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कुछ दिन पहले तक तुमने यही सोचा होगा कि मैं कैसे इसे उठवाकर पुलिस स्टेशन के लॉकअप में फेंकवा दूं, सीधे अंदर। तुमने पक्का यही सोचा होगा कि कैसे मेरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाए। आज के हालात सच नहीं है, बल्कि वो सच था। क्यों, सही कहा ना? इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं गायत्री देवी कि तुम मुझे अपना पति मानती हो, मुझे विश्वास नहीं होता। यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। यही सच है। हाँ, मेरी बात समझ गई ना? रुक जाइए। क्या है? आपने पीपल के पेड़ के सामने मुझे माला पहनाई है। देखिए, तू ड्रामा बंद कर, वरना अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो ये शादी वादी मैं कुछ नहीं जानता, समझ ले तू, सब बर्बाद कर दूंगा। तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी? क्या प्रॉब्लम है? ये माला तुझे मैंने पहनाई है, अब इसे उतार देता हूँ, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। ला। देखिए, अब तो ये मरने के बाद ही मेरे गले से उतरेगी। इस माला को उतारने का हक आपको भी नहीं है। एक औरत के लिए ये माला सुहाग की निशानी है। तो शादी की जिद करके बैठी हुई है। हाँ तो इसमें क्या हो गया? तूने उसके गले में एक माला पहना दी। वो गुणी लड़की है, इसलिए उसने तुझे अपना पति मान लिया। पति मान लिया? ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। अब क्या तू ये सोचता है कि तू उसे माला पहनाएगा और वो तुझे अपना पति भी नहीं मानेगी? मेरा बेटा होकर तू ऐसा सोचता बस, है? बस, बस, बस। देखो बेटा, समझदारी से काम लो, उस लड़की की भावनाओं को समझो। अब तुम ही उसके पति परमेश्वर हो। अबे तू क्या बकवास कर रहा है? आई आई आई, हमें बताता जे, ट्रांसलेट करता। राम, हमारा बात सुनो। हमारा कृष्णा इस बारे में बहुत सोचा और उसका इस बारे में यह ख्याल है कि क्या तुम्हें बड़ा भाई तुम्हारे शादी के बिना यह शादी कैसे करेगा? एक बार तुम्हारा शादी हो गया तो इसका लाइन क्लियर, फिर ये भी अपना घर बसाएगा। तुम दोनों का जोड़ी ऊपर वाले ने खुद बनाया, क्यों टीका ना मैंने? अब और क्या बोलने का जे? ठीक है, कर लूंगा उससे शादी। क्या मतलब है तेरा? वो मुझे सचमुच चाहती है। अरे वाह 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 वाह, मेरा बेटा तो शर्मा कर राजी भी हो गया। अब मुझे गर्व है कि तू मेरा ही बेटा है, तुझ में मेरी ही समझ है। चल बे, मालिश कर। बिल्कुल जे, कितना क्यूट है। सुन, उसे ज्यादा मालिश मत कर। ये माना कि दूल्हा वो है, लेकिन मैं भी दूल्हे का बाप हूँ, मेरी भी इज्जत है। हम कब बोला जे नहीं है?
ए, तुम लोगों की एक भी बात नहीं चलेगी। अगर ये शादी होगी तो उसी तरह जैसे मैं चाहूंगा। तुम क्या चाहता है? मेरी शर्त है, शादी के बाद मेरे बेटे जो कुछ कमाएंगे सब कुछ मुझे ला कर देंगे। ये क्या जी? तुम इतना बड़ा फिर भी तुमको ये बोलते हुए शर्म नहीं आता? क्या मतलब? इस उम्र में तुम दौलत का करेगा क्या? देखो अब तुमको लाइफ में आराम करने का, बाकी सब कुछ हम लोग संभाल लेगा। देखो मेरी नजर किसी की धन दौलत पर नहीं है, समझ गए? वो तुम्हारा बात सुन के हम सबको सब समझ में आ गया। अबे तुझे तो मैं अभी देखता हूँ। गायत्री? हाँ? तुम्हारे लिए ये कीमती हार, दरअसल तुम्हारी माँ का है बेटी। अगर आज वो होती तो कितनी खुश होती। वो तो इस दुनिया में नहीं रही और अब तुम भी इस घर से विदा होने वाली हो। अपने पिता को कभी भूलना मत बेटी। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। सब कुछ ठीक है ना? हाँ। कैसा है तू? ठीक हूँ सरकार। ठीक है जी। चल गाड़ी को गैराज में पार्क कर दे और सामान ले गया। पिताजी, नीलकंठ आ गए तुम? आओ अंदर आओ। जीते रहो। आप ठीक तो है ना पिताजी? हाँ बहुत बढ़िया। इस बार शहर में तुमने काफी दिन बिताए। अरे नीलकंठ तुम आ गए, कैसे हो? आप अपनी सुनाओ दीदी। मेरा क्या है, मैं तो हमेशा मस्त रहता हूँ। आपकी शादी फिक्स हो गई है, खुश तो है ना? तुम्हारी बहन तो सातवें आसमान पर है। गायत्री जरा कॉफी ले। अभी लाई पिताजी। आ जा बेटा। पिताजी मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए ये बात कहने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस काम में आपने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की है? तुम उसकी चिंता मत करो बेटे। पिताजी गायत्री आपकी इकलौती बेटी है, उसके लिए तो एक से एक रिश्ते मिल सकते हैं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? हम महलों में रहने वाले और वो सड़कों पर रहने वाले, उनका हमारे साथ कभी मेल हो भी सकता है क्या? इसमें घबराने की क्या बात है, मैंने ये फैसला सोच समझ कर किया है। सबसे जरूरी है हमारी गायत्री का सुखी जीवन। गायत्री मेरी इकलौती बेटी है, इसलिए उसकी खुशी का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। मैंने कब मना किया? गायत्री नादान है, उसे ये सब बातें कैसे समझ में आएंगी? वो ऐशो आराम के बिना जी पाएगी क्या? एक बात कहूँ बेटा, जिंदगी में धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता, और किस्मत का क्या भरोसा, सब कुछ तो ऊपर वाले के हाथों में है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, और आपके फैसले के खिलाफ मैं नहीं जाने वाला। ए, तुम मेरे बेटे हो ना, तो मुझ पर भरोसा रखो। देखो मेरे लिए सबसे जरूरी है मेरे बच्चों की खुशी। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ पिताजी, लेकिन मुझे भी आपकी फिक्र है। सुनो सब लोग, मेरा बापू तो मुझे सड़कों पर लाके रख देगा, दामाद आएगा और मेरा हिस्सा ले जाएगा, इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी फौरन। ए, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। गायत्री से जिसकी शादी होने जा रही है उसका पूरा परिवार सड़क छाप है, उनके पास कुछ नहीं है, गरीब के पास होती है सिर्फ इज्जत, और हम उनकी इज्जत उतार देंगे। लेकिन नीलकंठ साहब मुझे एक बात बताइए, आखिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम बिल्कुल कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मेरे वार से आज तक कोई नहीं बचा और इनकी तो औकात ही क्या है। तो हमें अपना प्लान बताइए साहब। मेरा प्लान जबरदस्त हिट होने वाला है, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। स्वर्ग की जैसा मिले संसार तुम्हें, सर्वगुण संपन्न सौंदर्य लावण्य, मंगलमय हो जीवन तुम्हारा सुंदरी। ताकिटता का दिन, ताकिटता का दिन, शादी का बंधन ये जन्मों का। टाकी तटा का दिन, टाकी तटा का दिन, शादी का बंधन ये जन्मों का। टाकी तटा का दिन, टाकी तटा का दिन, शादी का बंधन ये जन्मों का।
पिताजी, वो मेरा नेकलेस। क्या बात है गायत्री? मेरा नेकलेस गायब हो गया। क्या नेकलेस गायब हो गया? अयो बच गया, हमारा नेकलेस हमारे पास है। वो डायमंड नेकलेस दीदी। लेकिन यहाँ पर तो सब परिवार के ही लोग हैं, चोरी कौन करेगा? अगर वो हार किसी के पास है तो हमें लौटाइए। बोलना दे देना। अरे हम किधर से देगा जे? ए होले, इज्जत से मान ले वरना तेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। चल कामना सुनो, इन दोनों को अच्छी तरह से समझाने का, हमको नेकलेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। कृष्णा हाँ, ये ऐसे नहीं मानेगा। एक काम कर, तू इसकी तलाशी ले। ए एक मिनट जे, तलाशी लेने का ना, हमको ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह चेक करो। क्या रे, हम गरीब है इसलिए तुमको चोर लगता है? उली का भी कोई इज्जत है जे? ए, सच्चाई कबूल करने में ही तेरी भलाई है, वरना हमारे पास तेरा मुंह खुलवाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जानता है ना तू? सब मालूम। सुन कृष्णा, इसे उल्टा करके इसे अच्छी तरह हिला के तलाशी ले ले, वो भी अभी इसी वक्त। भोला बनने की कोशिश कर रहा है, इसकी पोला भी खुल जाएगी। हमको उल्टा करेगा? तुमको चाहिए जैसा चेक करो, लेकिन हमारा एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, हम कुछ भी कर सकता लेकिन चोरी नहीं। ए, खुद पटेल साहब से पूछो। पटेल साहब, तुम हमको बचपन से जानता, हम चोरी कर सकता? हम एक गिलास दूध भी पीता था तो तुमसे मांग के पीता था, तुम्हारा परमिशन लेने के बाद ही मैं इस घर में कुछ खाता पीता था, और आज हम तुम्हारे घर में नेकलेस चोरी करेगा? पटेल साहब, सबकी तलाशी लीजिए, इसमें संकोच कैसा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी जेब अभी दिखाता हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं है। मैं भी तलाशी के लिए तैयार हूँ। हाँ पिताजी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, राम तू ही समझाना। हाँ, अब सुनो, ये मेरा ही काम था। क्या? आखिर इस घर में शादी का माहौल है, थोड़ी बहुत शरारत तो जायज है, इसलिए ये छोटी सी शरारत मैंने की। क्या आपने? हाँ। मौका मिलते ही मैंने गायत्री का ये हार चुपके से कृष्णा की जेब में डाल दिया। मतलब तुमने कॉमेडी किया? आप भी जोकर जे। पटेल साहब, एक पल के लिए तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। हमारा भी ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जे पटेल साहब को कॉमेडी करते हुए हम आज पहली बार देखा। अब चलो खाना खाएगा। चलो चलो चलो, 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 चलो खाना खाते हैं। आइए आइए, खाना तैयार है। राम बेटा, जरा मेरे साथ आना। कृष्णा पटेल साहब ने तो मुझे डरा ही दिया था। राम बेटा, ये सब कुछ तुम्हारा है। ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? इस धनदौलत का मैं क्या करूंगा? मेरी सारी जायदाद का ख्याल आगे से तुम्हें ही तो रखना है। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम मेरे दामाद बनने जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कृष्णा की उस हरकत का इल्जाम मैंने अपने असर पर ले लिया। क्या मतलब? उस हार की चोरी की थी कृष्णा ने। अच्छा, तो ये सब मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने सारा प्रोग्राम सेट किया था? एक बात सुनिए पटेल साहब, मुझे अपने भाई पर खुद से ज्यादा भरोसा है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करनी है। देखो मुझे समझ में, जो आप कहना चाहते हैं मैं सब समझ गया। रिश्ता तोड़ने के लिए अच्छा प्लान बनाया था, मान गया आपको, हमें अपनी इज्जत प्यारी है, नहीं करनी मुझे शादी। उन्होंने ऐसा कहा और तूने बात मान भी ली? तू उनकी बात मानेगा और मुझ पर यकीन भी नहीं करेगा? तुझे हो क्या गया राम? नहीं किया मैंने उनकी बात पर यकीन, लेकिन वो नेकलेस तेरी जेब से निकला था। अरे मैंने कहा ना, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। देख मैं तुझसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ हाँ, जानता हूँ, सच्चाई तो तेरे अंदर कूट कूट के भरी है ना, आज सिर्फ तेरी वजह से मेरी नाक कट गई। चाचा, एक मामूली से नेकलेस के लिए आज तू मुझे जलील कर रहा है। मैं बेगुनाह हूँ और मैं पटेल से इसके बारे में बात करूंगा। तुझ जैसे कमीने को उसके पास जाने की जरूरत नहीं, बात करता है साला। अच्छा, आज तुझे एक लड़की की वजह से अपने भाई पर विश्वास नहीं है। एक बात याद रखना राम,
इस बार तू गलत है। और सुन, उस पटेल की दौलत और जायदाद पर तुझे लालच है ना, हमारे खून का रिश्ता भूल गया तू। अब तू मुझे एक बात बता, अगर वो नेकलेस तेरी जेब से निकलता तो क्या होता? राम, रुक जाओ। ए, आपस में क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो छोड़ो, तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? मैं अभी तक जिंदा हूं, बात क्या है अब बोलो। पिताजी, इसने आज मुझे चोर कहा है। मैं आपको चोर लगता हूं? हाँ चोर हूं मैं। अब तो तू खुश है ना? अब जा, उस पटेल का दामाद बन, खुश रहे। ये चोर तुझे जिंदगी भर अब कभी शक्ल नहीं दिखाएगा। तुझे चोर कह रहा हूं मैं। हाँ कहा मुझे, इसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया। जा रहा हूँ मैं, कृष्णा वापस कभी नहीं आऊंगा, जा रहा हूँ। तेरा भाई चोर है? जा खुश रह। रोक उसको। अरे वो तेरा भाई जाता है तो जाए, कोई जरूरत नहीं उसे रोकने की। नहीं चाहिए मुझे ऐसा भाई। जाना है तो जा, जा। इधर खड़ा क्यों है? वापस नहीं आऊंगा। कृष्णा रुक जा बेटे, मेरी बात तो सुन। राम इसे रोक ले बेटा, आपस में मत लड़ो बेटा। कृष्णा राम। हे भगवान। आयो जो भी हुआ बहुत गलत हुआ जे। आयो राम बोल। होली क्या है? ऐसा क्यों किया जे? भाई होने के नाते मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। वाह, मेरा कोई हक नहीं, मतलब ही है। लेकिन राम तुम भी गलत, तुम उसको चोर बोला ना। हाँ कहा मैंने, तो कौन सा गलत काम कर दिया बोल? चोरी करे वो, और एक भाई होने के नाते मैं सवाल भी नहीं पूछ सकता। आइयो ड्रिंक नहीं करने करे, ये बॉटल बहुत बड़ा दुश्मन। आइयो राम। आज मेरे भाई ने पैसे के लिए भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। और जानता है होली, आज उस कमीने ने मुझसे क्या कहा कि मैं लालची को दिया खड़ा पाड़ा साले को। आइयो झापड़ मारो तुमने। हाँ और मैं क्या करता उसके लिए? मैं गायत्री से रिश्ता तोड़ के आ गया, और वो मुझसे कहता है कि मुझे पटेल की दौलत से प्यार है। आज मेरा भाई मुझ पर इल्जाम लगाता है। एक बार, बस एक बार वो मुझसे कहता कि भाई मुझे बहुत सारी दौलत चाहिए, है? तो ला के देता उसे मैं दौलत। लेकिन लेकिन मेरा भाई एक चोर निकला। जरा संभल के, ध्यान से, तुम्हें गिर जाएगा जे। नहीं चढ़ी है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चोर है मेरा भाई। राम हमारे बात सुनो। पटेल साहब, मिस्टर पटेल। कहाँ चले गए सबके सर? मिस्टर पटेल कहाँ है? पटेल साहब सलाम। पटेल साहब मिस्टर पटेल हेलो। पटेल साहब, मेरे दिल में जो बात है आज वो मैं आपके सामने आपको डायरेक्टली कहना चाहता हूं। आई एम सॉरी, आज थोड़ी पी ली मैंने।
पहली बार पी कर आया हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ी पी है, सच बोलना था ना मुझे आपके सामने, बट आई एम सॉरी। ये सब क्या है राम, हमारे पूजनीय पिताजी के सामने इस तरह आकर शोर मचाना अच्छा लगता है क्या? कहा शोर मचाया है मैंने, अभी तो मैंने मुंह भी नहीं खोला। क्यों, सही कहा ना मिस्टर पटेल, अगर मैं आपसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ तो इससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं पटेल साहब, अच्छी तरह जानते हैं। देखिए मेरा भाई एक चोर है और मैं चोर का बड़ा भाई हूँ, और इसलिए गायत्री की शादी एक चोर के भाई से कैसे हो सकती है? हम लोग तो चोर है ना पटेल साहब। मैं भूल गया था कि आप बड़े ऊंचे लोग हैं, कभी भी किसी को भी चोर बना सकते हैं। पहले रिश्ता कबूल किया और फिर हमें चोर बना दिया, वेरी गुड। गायत्री और राम की वेडिंग अब कट, ये शादी नहीं होगी। गायत्री देवी, आप सचमुच बहुत महान हैं। मैं और तुम मिले और हमारी जोड़ी किस्मत से सेट हुई, उस ऊपर वाले ने हम दोनों को धरती पर मिलाया, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने एक खेल खेला, क्योंकि मेरी तुम्हारे सामने औकात ही क्या है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पटेल साहब तो हर किसी को दौलत से तोलते हैं ना, पैसा ही भगवान है। ओके हनी, इसलिए गायत्री जी और मिस्टर पटेल एंड मिस्टर नीलकंठ, अब मैं यहां से जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। आप लोग खुश रहिए, चलता हूं। मुझ जैसे छोटे आदमी को भूल जाइए, बाय। सॉरी सॉरी गायत्री जी, मिस्टर पटेल, मैं दोबारा आपके सामने नहीं आऊंगा। ओके। तूने पी रखी है? थोड़ी सी टेस्ट कर ली पिताजी। यहाँ इस हालत में आने से पहले तुझे शर्म नहीं आई? इसमें शर्माने वाली क्या बात है पिताजी? वो नालायक, अपना मुंह बंद कर, चल हट। पटेल साहब, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, मेरा राम है ना, भगवान कसम उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, वो तो उसने गलती से दो घूंट मार लिए और नशे की हालत में आपके सामने आ गया, उससे गलती हो गई, वो शराबी नहीं है, मेरी बात का विश्वास कीजिए। सुनो बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? देखो इस तरह रोने की जरूरत नहीं है, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है। अब देखना मेरा बेटा अभी सबसे माफी मांगेगा। हाँ यही काम रह गया है। सुनिए पिताजी, अब चलिए यहाँ से। सुनो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पटेल साहब के सामने जाकर बस एक बार माफी मांग लो। ये सब ड्रामे बंद कीजिए, माफी मुझे नहीं उन्हें हमसे मांगनी चाहिए। देखो मेरी बात को मत टालना, अपना खून पसीना एक करके मैंने तुझे पाला है और अब मुझे आग दिखाता है क्या? मैं तेरा बाप हूँ इसलिए तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं मांगता मैं किसी से माफी, अगर आपके दिल में खोटे तो आप जाके उनसे माफी मांगिए, समझ गए? क्या बोला? आज तेरी जबान लंबी हो गई है, क्यों है ना? बोल क्या हुआ? जबान काट के फेंक दूंगा, सुना तूने? ए जबान लड़ाएगा? देखिए अपने बाप की बात नहीं मानेगा? आज आपने मेरे सब्र की हद तोड़ दी है पिताजी, आज आपने इन गैरों के लिए अपने बेटे पर हाथ उठाया, यूं समझ लीजिए कि आज से मैं आपके लिए मर चुका हूं। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले तूने मुझे ऊपर क्यों नहीं उठा लिया? भगवान तेरी बातें सुनकर तो मेरा जीवन सफल हो गया रे। ए तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गया रे? कम से कम मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। मैं शान से दुनिया से कहता था मेरा बेटा हीरा है, हीरा है मेरा बेटा, ऐसी औलाद पर तू, मैं जा रहा हूं। एक काम करो, सारी दौलत छुपाने के लिए अपने आदमियों से एक गड्ढा खुदवाओ, मैं माल साफ करके आता हूं और उन तीनों को खत्म कर दो। साहब,
एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपनी दौलत किसी के भी साथ नहीं बांटने वाला। लेकिन उन पर चोरी का इल्जाम तो लग ही गया है, क्या आपको लगता है कि अब यह शादी होगी? गायत्री उससे प्यार करती है, वो उसी से शादी करेगी, इसलिए उनका मरना जरूरी है। हाँ, एक और बात, गायत्री को ये कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि कृष्णा की जेब में नेकलेस मैंने रखा था। हमारी किस्मत अच्छी है कि आज दोनों भाइयों में फूट पड़ गई है, इस बात का हमें फायदा उठाना चाहिए और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। आखिर मुझसे क्या गलती हुई? हर हफ्ते आकर मैं पूजा करता रहा ना, राम को भी मैंने भगवान का दर्जा दिया और आज उसने मुझे चोर कहा। अब उसको उस लड़की से शादी करनी है। हाँ, आखिर मुझसे क्या गलती हुई है मुझे बताओ। जिंदगी भर का रिश्ता एक पल में भूल गया, लेकिन मैंने भी उस पर यही हाथ उठाया ना। कृष्णा, तुम इधर क्यों रोता? उठो, तुम हमारी बात सुनो। हमको मालूम तुम्हारा कोई गलती नहीं, मंदिर में रोने से क्या फायदा? तुम्हारे सर पे जो इल्जाम हो जाएगा, और तुम्हारा भाई राम आज तुमको चोर समझता, उसका गलत फहमी दूर करना पड़ेगा ना। सुन कृष्णा, ये सारा गेम है वो नीलकंठ का। ये क्या बात कर रहा है तू होली? मैं बिल्कुल सच बोलता, वो नेकलेस का चोरी नीलकंठ ने किया। पटेल का दौलत गायत्री के साथ नहीं बांटेगा, वो बोलता है कि राम का मर्डर करेगा क्योंकि गायत्री राम से प्यार करती। वो उनका खेत में गड्ढा खोदता क्योंकि वो सारा दौलत को छुपाना चाहता। आज वो कहावत सच हो गई, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। ए, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके। इसे जिंदा गाड़ दो। चलो जल्दी हाथ चलाओ। अरे जल्दी कर। चलो चलो जल्दी। ए, पकड़ो उसे। ए, गाड़ो उसे। Oh!
राम मुझे माफ कर दे, गलती मेरी ही थी। आजा। राम। ये लीजिए, हम तो सोचते थे कि हम जैसे गरीब लोगों के घरों में ही चोर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? ऐसा दोबारा नहीं होगा पिताजी। फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल जाओ यहां से। अरे राम, कृष्णा, राम कृष्णा, हमारा बात सुनो, इधर आओ। ओले, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है? अरे तुम्हारा पिताजी। हाँ, क्या हुआ? सीरियस मैटर जी, सुसाइड करना चाहता। कहाँ पर? आवाम दिखाता है। हाँ चलो। ये क्या सोची उन्हें? देखिए पिताजी, ये बच्चों वाली हरकत छोड़ दीजिए, चलिए बाहर आ जाइए। चलिए। नहीं आऊंगा मैं बाहर, बिल्कुल नहीं आऊंगा। तुझे अपने बाप की इज्जत की कदर नहीं है ना? अब देख, मैं इसी वक्त अपनी जान दे दूंगा। ऐसा मत कीजिए पिताजी, जिद छोड़िए और प्लीज बाहर आ जाइए। जान मत दीजिए, मेरी बात मानिए। मैं खुदकुशी करूंगा। कामड़ा बात सुनो, आत्महत्या अच्छी बात नहीं, अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता। देखिए, हमारी आपसे विनती है कि आप इन्हें माफ कर दीजिए। जी हाँ, पटेल साहब की बात मान लीजिए, अपनी जिद छोड़ दीजिए। सुनो शिवराम भाई, मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला, मेरे बच्चों को मेरी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है ना? तो अब देखिए, मैं खुद को जलाकर राख कर डालूंगा। देखिए देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए। अब देखो, रुकिए। कहाँ चले गए सब, बाहर जाकर देखता हूँ। अच्छा ये बताओ, हमें हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहिए? सिंगापुर। वेरी गुड आइडिया। कनकू कनकू, देखो मैं तो एक गरीब आदमी हूँ ना, हम लोग ऊटी जाके ही काम चला लेंगे, ठीक है? पटेल साहब, हमारा हनीमून पटाया में, हमारा मतलब हमें शादी करेगा बिल्कुल उनका जैसा, उसके बाद हमको भेजो, ओके? अरे शिवराम भाई, हमको तुम्हारा मदद चाहिए, आप जरा पटेल साहब को बोलेगा। सिंगापुर, ऊटी और पटाया, मेरे बिना कोई भी नहीं जाएगा। ए, मैं वहाँ खुदकुशी कर रहा हूँ और तुम यहाँ हनीमून का प्लान बना रहे हो? कमबख्तो, तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? आपको शर्म है क्या? खुद के ऊपर तो पानी छिड़कते हैं और हमें पेट्रोल बताकर हमें झांसा देते हैं, क्यों है ना? सुनिए पिताजी, अगर हम लोग अपनी जिंदगी अच्छी तरह जिए तो इसमें आपको खुशी नहीं होगी क्या? जरा सी बात क्या हो गई, आप तो नाराज होकर खुदकुशी करने चले गए, वो भी नकली खुदकुशी। इतना सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत है? हमारी शादी करवाइए, हमें खुश देखिए और फिर हम दोनों के बच्चों के साथ खेलिए। लेकिन आप तो हमारे बिना जी सकते हैं ना? क्यों? सुनो बच्चों, तुम ही मेरी अनमोल दौलत हो, तुम लोगों को छोड़कर मैं कहां जाऊंगा? क्योंकि सच तो यह है कि मैं तुम लोगों के बिना जी ही नहीं सकता। यकीन मानो, तुम लोगों के बिना तो जिंदगी एक सजा है। पिताजी देखिए, अब मेरे और कृष्णा के बीच में भी कोई झगड़ा नहीं है, क्यों कृष्णा? हाँ बिल्कुल राम, आपकी कसम। ए, मेरे सर पे हाथ रख के झूठी कसम खा रहे हो, मुझे ऊपर भेजना है क्या? कैसी बातें करते हैं। आइयो कामड़ा, कौन का रिश्ता सेट? अभी दिल का रिश्ता सेट करने का, कामड़ा का दोनों बेटा का परिवार सेट, इसलिए हमको एक बात करने का। कामड़ा, हम तुम्हारा बेटा बन सकता क्या? आज से इस कामन्ना के हैं तीन बच्चे।